A very good morning everyone, this is Anire and you are watching Anire Vlogs. आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज हम जा रहे हैं ब्लॉगर्स मीट 2019 के लिए जिसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है ऑलिव रिजॉर्ट ने. तो चलिए और बहुत सारे ब्लॉगर्स के साथ मिलते हैं और करते हैं खूब सारी मस्ती. ऑल सेट टू गो. ये सारे जो ब्लॉगर्स आपको पीछे दिख रहे हैं ज्यादातर सब बहुत ज्यादा लकी ब्लॉगर्स है बिकॉज ज्यादातर फूड ब्लॉगर्स है. तो आप सबको पता है जो भी फूड ब्लॉगर्स है उनके पेज में देख के मुझे लगता है कि बस बहुत अच्छी अच्छी चीजें खाओ. बट आप सबको पता है मैं फिटनेस एंड लाइफस्टाइल ब्लॉगर हूँ तो सारी चीजों से दूर रहना चाहिए. बट आज हम लोग सारी चीजें चीट करेंगे इनके साथ और इनका रिव्यू लेंगे कि कैसा है फूड. और मेरे साथ में है गौरव जो ऑलिव रिजॉर्ट के ओनर है. तो गौरव से हम लोग अच्छे से डिटेलिंग में बात करेंगे कि क्या क्या है स्पेशलिटी ऑलिव रिजॉर्ट की. तो ये आपको डिटेलिंग में बताएंगे. तो चलिए और स्टार्ट करते हैं जर्नी और वहां जाके डायरेक्ट मिलते हैं और करते हैं खूब सारी मस्ती. फाइनली हम लोग पहुंच गए ऑलिव रिजॉर्ट पेंच में. तो यहाँ पर लंच करेंगे. इन्होंने सब कुछ ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है लंच के लिए. तो यहाँ पर बाकी ब्लॉगर्स भी है तो हम लोग पहले लंच करेंगे और यहाँ से जाएंगे सेलर रिजॉर्ट पे. तो वहाँ पर हम लोग का नाइट स्टे है. तो ये जो रिजॉर्ट है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही नेचर फ्रेंडली है. तो अगर आप लोग विजिट करते हैं तो ज़रूर यहाँ पर आइएगा. ये जो रिजॉर्ट है इसका फ़ोन नंबर भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. तो अगर आप लोग आ रहे हैं तो वहाँ कॉल करके बुक करा सकते हैं. और आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग तरीके से बनाया हुआ है. मैं इसका एक टूर भी दूंगा कि कैसी कैसी क्या क्या चीज़ें हैं. तो चलिए और जाके पहले लंच करते हैं बिकॉज मॉर्निंग से कुछ नहीं खाया. तो पहले लंच करेंगे उसके बाद एक्सप्लोर कराता हूँ आपको रिजॉर्ट. फाइनली हम लोग आ गए लंच करने के लिए. आप लोग देख सकते हैं बहुत अच्छे से अरेंज किया हुआ है ये सारी चीज़ें. तो अगर आप लोग ग्रुप में आते हैं तो आपको ऐसे ही लंच करने को मिलेगा. आपको बुफे सिस्टम है यहाँ पर तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और डिशेस बहुत अमेजिंग है. तो मैं तो अच्छे से चीट करने वाला हूँ आज. देखिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पर. बाकी हम लोग फूड ब्लॉगर से पूछेंगे कि कैसा है फूड बिकॉज उनको ज़्यादा अच्छा नॉलेज है इस चीज़ का. तो चलिए और ट्राई करते हैं यहाँ की जो अमेजिंग कुजीन्स है, अमेजिंग फूड्स है, सारे ट्राई करते हैं और उनका रिव्यू लेंगे फूड ब्लॉगर के पास से कि कैसा है. तो आप लोगों को ज़्यादा अच्छे से पता चल जाएगा. तो फाइनली मैंने अपनी थाली भर ली है जिसमें मैंने पनीर लिया हुआ है और एक फेमस चीज़ है दैट इज़ कॉल्ड पातोड़ी रस्सा एंड सम स्नैक्स है थोड़े से और बार और रोटी से स्टार्ट करेंगे. बाकी फूड ब्लॉगर से पूछेंगे कैसा है यहाँ का टेस्ट वो अच्छा. तो मेरे पीछे सारे जो फेमस फूड ब्लॉगर्स हैं सारे बैठे हुए हैं. तो गाइस आप लोग खाना कैसा लगा यहाँ का? बहुत बढ़िया. चिकन चिकन और पिस्ता क्या क्या फेवरेट हुआ? चिकन 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 सबसे अच्छा है. मैंने तो खाया अच्छा चिकन विनर है. सब लोग बोल रहे हैं बहुत पसंद आया यहाँ का खाना. मैंने तो खाया नहीं, आप सबको पता है मैं वेजिटेरियन हूँ. बट इनके अकॉर्डिंग बहुत अच्छा है. तो ऑब्वियसली जब इतने बड़े बड़े फूड ब्लॉगर्स जब अच्छा बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली अच्छा ही होगा. तो चलिए इनको खाने देते हैं अच्छे से, हम लोग कहीं और चलते हैं. तो फाइनली हमारा खाना हो गया. बहुत ही टेस्टी खाना था और आप सबको पता है मैं नॉर्मल टाइम पे नॉर्मल फूड खाता हूँ हेल्दी वाला. तो ये मेरे लिए एकदम ट्रीट था और मैंने खूब अच्छे से चीट किया हुआ है. अभी साथ ही में आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक ग्राउंड भी है यहाँ पर. तो अगर आप लोग ग्रुप एक्टिविटीज़ करना चाहें जैसे क्रिकेट खेलना है, फुटबॉल खेलना है, तो ये सारी चीज़ें खेल सकते हैं और ये भी अरेंज करा के देते हैं आपको सारी चीज़ें. ये जो रिजॉर्ट है ये 11 एकर्स में है तो काफ़ी बड़ा रिजॉर्ट है. तो अगर आप लोग आएंगे अपने फैमिली के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो आप बहुत अच्छे से इंजॉय कर सकते हैं. फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं, बहुत अमेजिंग विलाज है. और मेरे साथ है गौरव. गौरव एक चीज़ बताइए यहाँ पर कितने विलाज है? एनी भाई यहाँ पे 45 विलाज है. हाँ. और वेरियस टाइप्स ऑफ विलाज है, 1 bedroom, 2 bedroom एंड 3 bedroom. तो जैसे कोई ग्रुप भी आ रहा है तो उनके लिए भी कंफर्टेबल सब आप अरेंज करा देंगे. एंड अलॉन्ग विद दैट जैसे शादी वादी का मौसम रहता है तो शादी वादी कोई डेस्टिनेशन वेडिंग कराना चाहे जैसे पास के नागपुर से पास में तो वो भी आप अरेंज करा के देते हैं सारी चीज़ें? हमारे यहाँ काफ़ी वेडिंग्स कॉन्फ्रेंसेस राउंड द ईयर होती है. वी आर एंड टू एंड सर्विस प्रोवाइडर्स फॉर ऑल काइंड ऑफ. अच्छा अच्छा अच्छा. और क्या रेट्स रहते हैं बेसिकली जैसे किसी को बुक कराना है? मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा रिजॉर्ट का तो फिर डायरेक्टली कॉल करके बुक कर सकते हैं. क्या रेट्स होते हैं बेसिकली? रेट सीजनल होते हैं डिपेंडिंग ऑन हाई एंड लो सीजन. एक टिपिकल कॉस्ट यू कैन कंसिडर अराउंड 2500 पर पर्सन पर नाइट विद स्टे एंड ऑल मील्स. अच्छा. और मील्स आप सारे मील्स प्रोवाइड कराते हैं? जी. हमारे तो यहाँ पर स्विमिंग पूल भी है शायद? हमारे यहाँ एक स्विमिंग पूल है एंड वी आर मेकिंग अभी हमारा एक और स्विमिंग पूल बन रहा है. अच्छा अच्छा अच्छा. तो ये जो है ये कितना साल पुराना है आपका जो विला है?
ये 3 साल पहले का प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है, और जो नया वाला जो स्टार्ट है सैलरी में वो अभी जाएंगे हम बाद में कवर करेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग है और नेचर फ्रेंडली है। आपको यहाँ पर आके ऐसा लगेगा कि हाँ नेचर के बीच में है और जो जंगल है वो भी पास में है। जिनको भी जंगल सफारी करना है तो आप लोग ही अरेंज कर देते हैं मतलब जंगल सफारी के लिए? तो ये भी, तो जिनको भी लाइक जो टाइगर कैपिटल है हमारा जो नागपुर, तो उसके पास का सबसे जंगल है, तो अगर आप लोगों को जंगल सफारी करनी है तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपके लिए अरेंज करा देंगे। तो चलिए, बिकॉज हम लोग मॉर्निंग में करने वाले जंगल सफारी, तो शायद हमें टाइगर देखने को मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पीछे सारे ब्लॉगर्स हैं, बहुत अमेजिंग फोटोज़ डालते हैं। तो सबके जो इंस्टाग्राम हैंडल्स हैं मैं यहाँ पर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आपको जाके फॉलो करना रहेगा, अच्छे अच्छे फूड्स के बारे में जानना रहेगा तो ज़रूर फॉलो करिएगा। मैं तो उनके पेजेस देख के मेरे मुँह में पानी आता, बिकॉज यूजली मैं ऐसी चीज़ें खाता नहीं हूँ, बट देख के बड़ी खुशी होती है। और ये जो सारे फूड ब्लॉगर्स हैं सबके इंस्टा हैंडल मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो ज़रूर जाके आप फॉलो करिएगा, बिकॉज आपको बहुत अमेजिंग फूड्स के बारे में पता चलेगा वहाँ पर। तो हम लोग जा रहे हैं अभी सिलारी रिजॉर्ट में, बिकॉज वो नया रिजॉर्ट बना हुआ है, बहुत ही अमेजिंग है, टूरिया वाला रिजॉर्ट है। यहाँ से हम लोग सिलारी रिजॉर्ट जाएंगे, बिकॉज स्टे वहीं पर है, वो न्यूली कंस्ट्रक्टेड रिजॉर्ट है, तो वो बहुत अमेजिंग है, इससे भी बहुत अच्छा है। तो वहाँ का भी नंबर मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो अगर आप लोग विजिट कर रहे हैं तो वहाँ पर ज़रूर एक बार जाइएगा, बिकॉज वो महाराष्ट्र के अंदर आता है और ये जो टूरिया वाला जो रिजॉर्ट है ये मध्य प्रदेश के अंदर आता है। तो हम लोग पहुँच गए पेंच सिलारी में, तो आप देख सकते हैं बहुत अमेजिंग रिजॉर्ट्स हैं यहाँ पर। तो आज का जो स्टे है वो यहीं पर होने वाला है, तो चलिए अंदर से जाके चेकआउट करते हैं कि रूम्स कैसे हैं। न्यूली कंस्ट्रक्टेड है इस वजह से बहुत ही अमेजिंग रूम्स होंगे, तो चलिए अंदर जाके देखते हैं कैसा है रूम। तो फाइनली हम लोग रूम के अंदर एंटर कर चुके हैं, बहुत ही अमेजिंग रूम दिख रहा है, तो मैं आपको अंदर से रूम दिखाता हूँ। तो आप लोग रूम देख सकते हैं, एक बहुत बड़ा वाला हॉल बना हुआ है, और साथ ही में ये है हमारा बेडरूम। तो आप देख सकते हैं बहुत ही क्लीन, नीट एंड न्यूली कंस्ट्रक्टेड है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं हमेशा कभी भी कहीं चेक इन करता हूँ तो सबसे पहले देखता हूँ कि वहाँ का वॉशरूम कैसा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ का वॉशरूम भी बहुत अच्छा है, बहुत ही क्लीन टाइप से बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये रहा आपका बाहर का व्यू, अभी अच्छे से दिखेगा नहीं, बहुत ज़्यादा धूप है, और यहाँ पर नेट की फैसिलिटी भी है ताकि अंदर मच्छर ना जा पाए, बिकॉज जंगल वाला एरिया है तो मच्छर काफ़ी सारे होते हैं यहाँ पर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। और आप देख सकते हैं ये बेड भी बहुत अच्छा है और एकदम प्रॉपर तरीके से बड़ा सा बेड है। तो आप लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बिकॉज बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। तो चलिए अभी बाहर जाएंगे, बिकॉज हम लोग ने अभी डिसाइड किया हुआ है कि हम जंगल का टूर करेंगे वॉकिंग। तो जल्दी से फ्रेश होके सीधे चलते हैं जंगल के ट्रिप पे। तो हमारी जो गैंग है अभी जा रही है पैदल सफारी पे, जंगल सफारी, लेकिन पैदल पैदल हम लोग घूमेंगे और देखेंगे कैसा है जंगल, एकदम जो नेचर के पास जाके अच्छे से हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। हमारे साथ पूरी गैंग है, आप पीछे देख सकते हैं सब लोग पैदल पैदल जा रहे हैं, तो एक बहुत अच्छे जो चीट मिल की है उसके बाद कैलोरीज बर्न करने का अच्छा मौका है। माय फ्रॉम भरतपुर राजस्थान, यहाँ पर जो बर्ड्स है वहाँ पर 545 स्पीसीज है बर्ड्स की, वो वर्ल्ड के अंदर तीसरे नंबर की बर्ड सेंचुरी है, वर्ल्ड हेरिटेज में आती है। और मैं बर्ड्स के बारे में बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, अपने आप को मानता हूँ। आपको बर्ड से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो, इंसेक्ट, मैमल्स, तो आप लोग देख सकते हैं हम लोग जंगल में आ गए हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है नेचर के पास आके। यूजुअली क्या होता है, मैं सारे ब्लॉग सिटी में करता हूँ, तो जो जब मैं नेचर के पास आया तो मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। और साथ ही में यहाँ पर कैसा है कि बहुत अच्छी आपको फ्रेश ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे आपकी लाइफ साइकिल भी बढ़ जाएगी। तो नेचर के पास रहने वाले लोगों की जो इम्यूनिटी रहती है वो ज़्यादा रहती है कंपेयर टू जो सिटी में रहते हैं। तो ऐसी जगह पर आने से बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही फील गुड फैक्टर आता है। आपको जंगल का एक व्यू दिखा देता हूँ, आपको पता चल जाएगा कैसा है जंगल। यहाँ पर बहुत अमेजिंग बर्ड्स है। अभी मुझे किंगफिशर दिखा, बट आपको दिखा नहीं सकता बिकॉज बहुत दूर है, बट यहाँ पर जैसे जो गाइड है हमारे साथ उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है इस बारे में। तो बहुत अमेजिंग जो बर्ड्स है अभी इस सीज़न में जो आते हैं यहाँ पर वो हमें दिखा रहे हैं, लेकिन सब दूर दूर है, इस वजह से क्या होता है जूम ज़्यादा नहीं हो पाता, इसलिए हमें दिख नहीं रहा। और हमें यहाँ पर केयरफुली चलना है बिकॉज जंगल का रास्ता है, तो कोई एकदम प्लेन रोड नहीं है, ट्रैकिंग टाइप का हो रहा है, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है करने में। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रैकिंग का फील आ रहा है एकदम। और जंगल में चलने के लिए मैं लाइक काफ़ी सालों बाद जंगल आया हूँ,
तो मुझे एक्सपीरियंस थोड़ा कम है यहाँ पर, तो मैं संभल संभल के स्लोली स्लोली चढ़ रहा हूँ। और ऐसे फॉरेस्ट में अगर आपको रात को छोड़ दिया जाए तो आप समझ सकते कैसा होगा यहाँ पर, एकदम वीराना वाले मूवी की जैसे फीलिंग आ रही है यहाँ पर। जैसे रात को होते ही ऐसा लगेगा कुछ ना कुछ स्केरी कुछ होगा और शायद हमें कुछ भूत वूत दिख जाए। गाइस एक एडवाइस करना चाहूँगा, अगर आप कभी ट्रैक पे आ रहे हो तो हमेशा लॉन्ग शूज़ पहनिए, बिकॉज़ यहाँ पर क्या होता है छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो सकते हैं जो इंसेक्ट्स आपको हार्म कर सकते हैं। तो हमेशा लॉन्ग बूट्स पहन के आइए, जिससे स्टोन से भी आपके पैरों की प्रोटेक्शन रहेगी और साथ में जो छोटे मोटे इंसेक्ट रहेंगे वो भी आपको नहीं काटेंगे। तो ये जो सेलारी रिजॉर्ट है ये बहुत ही अमेजिंग है, आप देख सकते हैं यहाँ पर पीछे पूल टेबल भी है, साथ में एंटरटेनमेंट है, इंडोर एक्टिविटी है, सारों का ख्याल इन्होंने रखा हुआ है। तो ये मेरे पीछे गौरव खेल रहे हैं, देख रहे हैं आप, टीटी खेल रहे हैं, साथ में पंकज वहाँ पर ब्लॉग कर रहा है, वहाँ पर पूल टेबल भी है, साथ में कैरम एंड ऑल बहुत कुछ है। तो अगर आप अपने फैमिली के साथ आते हैं या फ्रेंड्स के साथ आते हैं तो यहाँ पर बहुत आप खेलने के लिए मिलेगा, आपका टाइम पास भी हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत अमेजिंग बॉनफायर का सेटअप किया हुआ है, आप देख सकते हैं, और हम लोग करने वाले बहुत सारी मस्ती यहाँ पर, बिकॉज हमारे बीच में दो अच्छे सिंगर्स हैं तो उनके गाने सुनेंगे। शायद मैं नहीं ऐड कर पाऊँगा बिकॉज कॉपीराइट इश्यूज आ जाएंगे, बट मैं दिखा आपको ज़रूर दूंगा कि कैसे जैम करते हैं। बाकी आप लोग सब लोग देख सकते हैं यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी है, तो मेरी शायद ज़बान लड़खड़ा रही है, बट मज़ा बहुत आ रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा सेटअप किया हुआ है इन्होंने, स्टेज भी है, बॉनफायर भी है, और साथ में सारे लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए रेडी है। तो चलिए खूब सारी मस्ती करते हैं यहाँ पर। बहुत ही अमेजिंग जैम सेशन था, उसके बाद मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है बिकॉज बहुत ठंड है यहाँ पर। अभी हम लोग डिनर करने के लिए आए हैं तो बहुत अच्छे से डिनर यहाँ लग चुका है, आप देख सकते हैं पीछे सारी चीज़ें हैं, मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं तो आपको समझ में आएगा, इतनी अमेजिंग है। ये पनीर मेरा जो फेवरेट, बाकी सारी चीज़ें हैं यहाँ पर खाने के लिए, तो जो फूड ब्लॉगर्स है वो आपको रिव्यू देंगे कैसा है फूड। तो चलिए और खाना खाते हैं बिकॉज बहुत रात भी हो रही है और हमें फिर से जैम करना है जाके इसके बाद, और फिर मॉर्निंग में 6 o'clock उठ के हमें जंगल सफारी भी करनी है, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं तो बिल्कुल सोने नहीं वाला और ना किसी को सोने देने वाला हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पर। तो मेरे साथ है बहुत सारे फूड ब्लॉगर, अब जब इतने सारे फूड ब्लॉगर आ गए तो एक कंपटीशन करना बनता है। हम लोग डेजर्ट्स का कंपटीशन कर रहे हैं लेकिन सबका पेट भरा हुआ है, तो इस वजह से हमने क्या किया, क्वांटिटी में नहीं रखे हुए हैं, तो एक एक बाउल है, लेकिन जो पहले फिनिश करेगा वो विनर रहेगा, और उसको सबसे पहले आप लोग फॉलो करिएगा, सबको करना है लेकिन सबसे पहले उसको फॉलो करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का कॉम्पिटिशन, गो गो। अरे दो जन हो गया, सब लोग अपना अपना इंस्टा हैंडल बताएंगे तो आप लोग जरूर फॉलो करिएगा। माय इंस्टा हैंडल इज नागपुर बस, नागपुर बस बस, जस्ट नागपुर थिंग्स, जस्ट पार्थ बजाज, हंग्री क्लोथ्स, द हंग्री, द हंग्री क्लोथ्स, द डबल प्रमोशन स्टाइल डन, नागपुर चौपाटी, द हंग्री क्लोथ्स, गुरमे मुसाफिर। डे खत्म हुआ, बहुत मजा आया। तो गाइस आप लोगों को कुछ बोलना है? लाइक शेयर सब्सक्राइब, यस, सो होप यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू डिड देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल, पीस।